Okay, God bless you. Enjoy. चलो enjoy करना मजे से. इंस्टाग्राम बड़े बाजी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे अपडेट देते रहेंगे. अभी फटाफट फ्लाइट पकड़ो भाई. आज फिर से उसी टाइम पे निकले हैं, 2:30 बज रहे हैं और क्या हो रहा है, स्कूल की छुट्टी हो रही है. स्कूल की छुट्टी के टाइम पे ना कभी भी निकलना नहीं चाहिए, पर अभी कुछ कुछ ना फाइनल एक आध चीज लेनी थी. अभी रात में भाई और भाभी ने जाना है तो बस वो तैयारियां वैयारियां चल रही है. तो 2:30 बजे मेरे को टाइम का आइडिया नहीं रहा. मेरे को लगा कि मैं आराम से मस्त नहा धो के निकलूंगा, गर्मी है वो सब करते करते ना लेट हो गया. अब स्कूल के ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा. हमारी सोसाइटी वाले जो प्रेस वाले है ना वो आए नहीं है. मैंने दूसरे वालों को दे रखा और उन्होंने बोला कि आधे घंटे तक आ जाना और उसके अंदर पड़े हुए कुछ क्रूशियल कपड़े. तो अब यहाँ पे अगर ज्यादा जाम मिला तो मेरा आधा घंटे का 40 मिनट हो गया. तो मैं तो यही सोचते रहता हूँ. ऐसे में मेरे को बड़ी एंजाइटी हो जाती है भाई कि मतलब अगर मेरे को दुकान पे जाना है, दुकान से सामान लेना है और अगर मैं वहां पे लेट हो गया, इतने आंटी लेट हो. मैं वैसे ये सब वेली बातें हैं पर मैं ये दिमाग में सोचते रहता हूँ. क्या आप लोग भी सोचते रहते हो? व्लॉग चालू करते हैं. वेलकम है एक और डेली व्लॉग में. वेडनेसडे का दिन है. स्कूल का ट्रैफिक स्कूल के पास तो नहीं मिल रहा. होपफुली छट गया, अच्छी बात है. छट ही जा भाई क्योंकि हमें है आधे घंटे का टाइम. कपड़े भी प्रेस के वापस उठा के लेने हैं, इम्पोर्टेंट कपड़े हैं वो. पिछले 5 मिनट से एक ही स्पॉट पे खड़ा हूँ. ज्यादा दूर भी नहीं जाना था, बस एक हल्का सा मतलब इतना सा कट लेके लेफ्ट लेके दुकान आ जाएगी. 5 मिनट से खड़ा हूँ. प्रेस वाली आंटी जाना मत, कपड़े जरूरी चाहिए. नंबर भी नहीं है यार आंटी का. चला ले ताऊ, चला ले. तो बिल्कुल ऐसा पीरागढ़ी वाले जाम वाली फीलिंग आ रही है भाई. रोहिणी में रह के हमारा रोहिणी भाई यूनेस्को डिक्लेयर्ड वर्ल्ड बेस्ट है. सारे फीचर्स आपको रोहिणी में मिल जाते हैं देखने को. ओके गाइस, ट्रैफिक की गड़बड़ का सोर्स पता चल गया है. ओए ट्रक भाई साहब थोड़ी सी ठंड रखो. ये इतना ट्रैफिक पता क्या, और ओ भाई खतरनाक ट्रैफिक हो रखा है. वापसी का रास्ता कोई और लेना पड़ेगा. ये रेड लाइट खराब हो रखी है इसकी वजह से. ये देख रहे हो यहाँ पे राइट साइड में कितना ज्यादा जाम लगा हुआ है भाई साहब. हम लोगों को 20 मिनट हो चुके हैं अभी और हमारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं. 10 मिनट में हम लोगों को वापस जाना है वरना प्रेस वाली आंटी क्वेश्चन मार्क है मिलेगी कि नहीं मिलेगी. रेसिंग अगेंस्ट टाइम वाली फीलिंग आ रही है बिल्कुल. गॉट द पैकेज, प्रेस वाली आंटी कपड़े बचा के रखी है, मैं आ रहा हूँ. बड़ा फील, हम लोग ज्यादा लेट नहीं हुए, 5-7 मिनट तो रुक ही जाते हैं लोग. वापस टाइमलैप्स पे लगाते हैं और चलते हैं. मेरी माने तो दिल्ली का ये बेस्ट पार्ट है क्योंकि एक जगह पे भारी भरकम ट्रैफिक लगा हुआ है और वो कुछ एक आध घंटे से पहले खत्म होने नहीं वाला जब तक रेड लाइट ठीक नहीं होगी. तो हम लोग पहले वाली रोड से आ गए. दिल्ली गोल है ना, एक जगह जाने के 4 रास्ते होते हैं कम से कम. एक बस एक छोटा सा और काम है वो निपटा के फटाफट कपड़े लेते हैं. मिशन सक्सेसफुल. जितने मैं पहुंचा बस लगा लो कि मतलब 20 सेकंड मैं जल्दी ही पहुंच गया. मिशन इम्पॉसिबल था आज का. चलो घर चलते हैं, खाना वाना खाते हैं, दिन चालू करते हैं. व्हाट एन एडवेंचरस डे दोस्तों. अरे आज पता क्या हुआ, मैं फुल रेस अगेंस्ट टाइम. हमारी प्रेस वाली आंटी थी नहीं, साथ वाली आंटी थी, उन्होंने बोला आधा घंटा और वहाँ जाम में फंस गया मैं. ओ एकदम ऐसे मिशन इम्पॉसिबल टाइप. ओहो पचा के आऊँ. ऐसा तो नहीं वो एरोप्लेन से एक हाथ टंगा हुआ एक हाथ में कपड़े. अरे व्लॉग देखना आप, ये जो कल आएगा ऐसे ना? जैसे बिल्कुल ऐसे ही. हाँ ऐसे ऐसे पिकू शर्मा. हाँ तन्मय शर्मा लाइक टॉम क्रूज, एक हाथ एरोप्लेन पे लटका हुआ एक हाथ में कपड़े. बस बस यही. अभी मैं आ रहा हूँ अभी कपड़े लेके आपके. बस बस करा के बस 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 यही. पीछे से म्यूजिक दे दूं डैन डैन. वो छोड़ा आपने, वो कर दिया ना. बोल पूछू अब मैं चेक कर दिया. मिशन इम्पॉसिबल से ये कपड़े आए आपके आज? हाँ क्योंकि वो हमारी प्रेस वाली आंटी आई नहीं थी. अच्छा तो साथ वाली प्रेस वाली आंटी थी, उन्होंने बोला आधे घंटे में आ जाना और वहाँ पे 11 सेक्टर के पास इतना जाम लगा हुआ. वहाँ पे वैसी कंस्ट्रक्शन चल रही है और रेड लाइट हो रखी थी उसकी फ्री. तो मैं फंसा रहा वहाँ पे. उन्होंने बोला और मैं ऐसे देख रहा हूँ टाइम, जाओ 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 जाओ. हाँ उन्होंने बोला था आधे घंटे भैया देख के आना, आ जाना आधे घंटे. उन्होंने 2 बार आगे से बोला था. फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, बस मैं पहुंचा 20 सेकंड में आंटी ने मेरे को दी और चलेगी. वेरी क्विक मतलब मैं 5 मिनट लेट हुआ था तो आंटी 5 मिनट तो इंडिया में वेट कर ही लेते हैं सब, है ना. यस चलो होगी सारी पैकिंग वैकिंग एवरीथिंग ऑल सेट. सब हो गया. सब हो गया ठीक है. आपको एक मैसेज भी आया हुआ है पापा से, चेक कर लेना.
यू हैव गॉट अ मैसेज फोन का मिल चुका चेक योर फोन अकाउंट डिटेल्स ओके चलो फिर शाम को मैं आपका शॉफर बनूंगा तो मेरे को शॉफर कमीशन कुछ दे दो पैसे तो लेंगे तो क्यों भाई मैं जाऊंगा छोड़ने अरे हम टैक्सी कर लेंगे शॉफर कमीशन मिलेगी मुझे आने जाने बहुत टाइम लग जाएगा क्यों तो मैंने क्या करना है वेला हूं मैं रेस्ट करो किस चीज का ओपे हां प्लीज 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 ये डायलॉग पुराना हो गया थोड़ा थोड़ा ख्यालों में रहो आप प्लीज अरे प्लीज 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 करण से नहीं आ रहे होंगे ना हाँ कोई करण से नहीं कोई नहीं आ रहे चलो ठीक है देख लेना ओके मैसेज चेक कर लेना और मेरे को भी शॉफर मैसेज कर देना ठीक है लो भाई एकदम टेस्टी टेस्टी आज म्यूसली खा रहे हैं हम लोग अपना लंच ही कर रहे हैं मतलब ब्रंच भी नहीं बोलोगे अब इसको तो प्रॉपर लंच बोलोगे ना वो मैंने सुबह वो मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था मैं सुबह मस्त उठ गया था 9 बजे और मैंने 10 बजे अपना नाश्ता कर लिया था क्या 1/3 गार्लिक नान जो कल के ब्लॉग में आपने देखा था चना मसाला के साथ में और थोड़े से राजमा जो पापा वाले थे वो भी थोड़े से बचा रखे थे तो मस्त वो खाना वाना खाया मैंने अभी अपने म्यूसली खा रहा हूँ कभी कभार म्यूसली व्यूसली भी खाना अच्छा लगता है ठीक है भाई फ्रेश मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है ये वाली जो म्यूसली है ना इसमें थोड़ी सी जो है ना ये पिछले वाली भी नो एडेड शुगर थी ये वाली भी नो एडेड शुगर है बट ये वाली नो एडेड शुगर थोड़ी सी पिछले वाले से माड़ी लगी हम लोगों को पिछले वाली ज़्यादा उसमें या तो एप्पल वो वगैरह ज़्यादा डाल रखा था कॉन्सेंट्रेट इसमें तो थोड़ा फीका लग रहा है ये मामला आज मेरे को पता नहीं कि और मैं इतना हेल्दी हो रहा हूँ म्यूसली भी खा रहा हूँ केले भी खा रहा हूँ भाई मैं ना मस्त बंदा हो रहा हूँ आजकल नहीं आज ही कल का कुछ कह नहीं सकता और कल मैंने चना मसाला खाया था तो कल मस्त नहीं था रेडी इनको जरा ब्रीफिंग दे रहा था पापा पाजी ज्ञान ब्रीफिंग बिफोर कम्फी बच्चे जितने मर्जी बड़े हो जाए हमारे लिए तो बच्चे ही रहेंगे ना ये बात तो सही बोले तो पड़ता है ना ये डूज एंड डोंट्स कम्फी रेडी टू गो चलो ऑल द बेस्ट सारे पैकिंग होगी ना पेपर वेपर सारे हो गए खाना खाओ भागो यस 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 चलो एंजॉय यस मैं जरा छोड़ के आता हूँ देख लो आजकल केले भी खा रहा हूँ मैं म्यूसली भी खा रहा हूँ आजकल नहीं सॉरी सिर्फ आज ही कल नहीं खाया था और कल की गारंटी नहीं लेता कल की गारंटी लेता मैं आता हूँ तेरे को ओके गॉड ब्लेस यू एंजॉय चलो एंजॉय करना मजे से थैंक यू और टाइम पे पहुंच जाना हर जगह और ये नहीं है कि मॉर्निंग फ्लाइट के लिए हमें यहाँ से फोन करना पड़े उठ जाओ पापा मैंने अपनी घड़ी में ऑलरेडी डाल दिया मैंने घड़ी का वॉच फेस डाल दिया तो भाई तुम्हारा सुबह का कोई वो नहीं रहता तो और एंजॉय करना अपना मस्त एंजॉय करना मस्त लाइफ इज टू बी एंजॉयड नॉट टू बी रिस्क्ड यस चलो पापा भाजी टाइम टू गो 7:50 हो गए चलो सारे देख लिए ना हाँ सब देख लिया चलो जी चलो चलो बाय बाय मम्मी पापा को कर दो चलो, हो गया। मैं तो शॉफर चल रहा हूँ हो गया कितनी बार पहली बना करेगा बाय बाय कर रहा है ना बाय बाय चलो बाय बाय Picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age. Guys, आज है वो ऐतिहासिक दिन जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ. वाह 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 वाह. कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है बस ठीक है मैंने बोला चला ट्रैवल ट्रूवल करना है ये सब फलाना ढिमकाना फोन देखते रहो और मैं बाकी सब चीजें देखते हुए चलते हूँ आज मैं बैठ जाता तो कैसा महसूस कर रहे हो आप लोग एक्साइटेड एक्चुअली अब थोड़े थके हुए ना टायर्ड हो गए ना इतना तो रात में आराम से फ्लाइट में सोना ये रात वाली फ्लाइट है बड़ी सही होती है कि अब सो जाएंगे ना उनकी पूरा पैकिंग पैकिंग करके हम सो नहीं पाए वेरी एफिशिएंट फ्लाइट्स आई टेल यू रात वाली वेरी एक्साइटेड यस चार्ज्ड अप स्लीप डिप्राइव्ड बट एक्साइटेड एयरपोर्ट पे मिलते Way back before we blew it all Take me back to a place where I felt at home Take me back to a day प्रस्थान करे मेरा डिपार्चर के लिए लेफ्ट कृपया प्रस्थान करें बाय बाय चलते हैं बाय 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 कुछ दिन बाद थोड़े दिन हम ब्लॉग में एब्सेंट रहेंगे
एंड ये वाले का हम शूट करेंगे, बड़े बाजी ब्लॉग पे डालेंगे। बड़े बाजी कब डालेंगे वो मैं बाद में, चलो इंस्टाग्राम पे अपडेट। हाँ इंस्टाग्राम बड़े बाजी फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे अपडेट देते रहेंगे। अभी फटाफट फ्लाइट पकड़ो, सामान सारा ले लिया, नग काउंट कर लिए, 1 2 3 4 ठीक है वो गाड़ी निकल लिया। बाय 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 भाई और भाभी, आप गए हैं कुछ दिन के लिए घूमने, बड़े बाजी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे सारी अपडेट्स आते रहेगी और व्लॉग वगैरह तो इसके डलवाई दूंगा, बहुत मजा आने वाला है, बहुत प्लानिंग व्लानिंग लगी है इन सब चीजों में, फन करेंगे और हम लोग भी फन करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग फन करेंगे और उनको भी फन करने देंगे। ठीक है चलो अब टाइम लैप्सेस एंजॉय करो, मैं बस ये अपडेट देने के लिए रुका हुआ था यहाँ पे, वैसे ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। ठीक है काका लेट्स गो, आप बैक टू टाइम लैप्सेस। ये वाला पार्ट मुझे बहुत पसंद है, मतलब ऑल्दो दिस इज वो वाला पार्ट दिल्ली का जो ज्यादा एक्सेसिबल नहीं है, मेट्रो से भी दूर है और वैसे भी, बट इट्स वेरी प्रिटी। ये वर्ल्ड मार्क बोलते हैं आई थिंक इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, सारे फाइव स्टार होटल्स हैं आपके, हयात है, पुलमान है, अंदाज है, नोवोटेल है, ब्यूटिफुल। एयरपोर्ट के पास पड़ता है, जो भी लोग दिल्ली से नहीं होते ना वो यहाँ पे आके मोस्टली रुकते हैं, क्योंकि प्राइजेस भी यहाँ पे ठीक मिल जाते हैं और लग्जरी भी अच्छी खासी मिल जाती है, बट फिर जब थोड़ा ट्रैवल ट्रूवल करना होता है तो उसके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो जाता है, बट ब्यूटीफुल यार, व्हाट एक्सपीरियंस हियर। और स्पेशली रात में, दिन में इतना नहीं होता, रात में लाइटें चल रही थी और अब आप ये देखो टाइम लैप्स पे, मैंने टाइम लैप्स तो बनाया पर वो रास्ता नहीं आया, पता नहीं कौन से रास्ते से गूगल लेके जा रहा, वरना ना एयरपोर्ट आते हो ना तो बहुत सही सी एकदम टनल टाइप सी आती है, टनल भी क्या अंडरपास बोलते हैं उसको, ब्यूटीफुल। अभी ये पता नहीं कौन से रास्ते से, रात में ट्रैफिक ऑप्टिमाइज फलाना डिपकारा। अरे आज तो एप्पल का इवेंट भी है, नए आईफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, 10:30 हैं, बट आज मैंने इतना एक्साइटेड नहीं हूँ, लास्ट ईयर कम एक्साइटेड था, लास्ट टू लास्ट ईयर आई वॉज लाइक रियली रियली एक्साइटेड। चलिए बट स्टिल एन एप्पल इवेंट, कूल ट्रांजिशंस और हाई लेवल प्रोडक्शन, थोड़े चिप्स वगैरह मंगवाते हैं, गिल्टी प्लेजर करते हैं एप्पल के इवेंट पे। कोई है संगीत गाओ, ये आरज़ू जगाओ, अगर तुम